नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज टू चार्जेस ईच इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम आर 0.5 मीटर अपार्ट. इफ बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट इन वैक्यूम, हमें बताना है देन द फोर्स बिटवीन देम क्या होएगा. बहुत ही सिंपल सवाल है, दो माइक्रोकूलम के दो चार्जेस और 0.5 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं. सो ये आपका चार्ज Q1 है और ये आपका चार्ज Q2 है और इनको हमने r डिस्टेंस पर रखा हुआ है. तो फोर्स की वैल्यू होती है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, ये आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है. सारी डेटा हमें दे रखा है, बस वैल्यू रखनी है. सो दिस विल बी इक्वल टू के की वैल्यू होगी 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 9. Q1 Q2 जो हैं वो दोनों हमें दिए हुए हैं 2 माइक्रोकूलम. सो 2 × 10 to the power −6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r हमें दिया हुआ है 0.5. 0.5 को मैं कहूँगा 1/2 लिख लें. सो 1/2 का स्क्वायर. सो ये सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 और ये नीचे से ऊपर जाके ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power −12. सो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 × 9 हमने करना है, तो ये आ जाएगा 144 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power −3. यानी कि जो आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया वो हो गया 0.144 न्यूटन. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी 0.144 न्यूटन वुड बी द राइट आंसर.